Good morning, students. Welcome back to my class. Today we are going to read the third chapter of Snapshot, Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesa Iyengar. Writer इस स्टोरी में हमें ये बताना चाहते हैं कि लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, यानी कि लोग बोलते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं. दूसरों के सामने आदर्श पेश करते हैं और जब खुद की बारी आती है तो दूर दूर तक उन आदर्श से उनका कोई रिश्ता नहीं होता. ये स्टोरी उन्होंने हमें रंगा और रत्ना की शादी के माध्यम से बहुत ही रोचक तरीके से बताई है, तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. लेट्स रीड. रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोक हु हैज बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज. रेयर हार्डली फाउंड. ब्रीड होता है नस्ल प्रजाति. फोक यहाँ पे क्या है, पीपल. तो रंगा अकाउंटेंट का बेटा यहाँ पे क्या है, जो मुश्किल से पाया जाता है उनमें से एक, यानी कि गांव के लोगों में बहुत ही ज्यादा विशेष है, जो अपनी अध्ययन को पूरा करने के लिए शहर गया है. यहाँ पशु वैसे मीनिंग तो कंटिन्यू होता है लेकिन यहाँ पे कंप्लीट है. व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर द क्राउड्स मील अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट. जब वह बेंगलोर शहर से वापस अपने गांव आता है तो भीड़ है वो उसके घर के चारों तरफ खड़ी हो जाती है ये देखने के लिए कि उसमें कोई बदलाव आया या नहीं. मील अराउंड का मीनिंग आप कर सकते हो स्टैंडिंग इन ए क्राउड. हिज आइडिया अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट. और आर दे, शादी के बारे में उसके जो विचार हैं वो अब एकदम अलग हैं और वे क्या हैं. When you see this title, some of you may ask, रंगाज मैरिज. जब तुम ये शीर्षक देखते हो तो तुम इसे कुछ पूछ सकते हो, रंगा की शादी, वाई नॉट रंगानाथा विवाह और रंगानाथा विजया, रंगानाथा विवाह या फिर रंगानाथा विजया, ऐसा क्यों नहीं. वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याण. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग. मैं जानता हूँ कि मैं भी माउथ फीलिंग का मीनिंग आप कर सकते हो हैवी साउंडिंग, भारी भरकम सा, जो बोलने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे. मैं भी कोई ऐसा शीर्षक यूज कर सकता था जैसे कि जगन्नाथा विजया, गिरिजा कल्याणा. कल्याणा मीनिंग होता है शादी ही. बट देन किंतु तब ये जगन्नाथ की विजय के बारे में या फिर गिरिजा की शादी के बारे में तो नहीं है. इट्स अबाउट आवर ऑन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. यह हमारे खुद के रंगा की शादी के बारे में है, इसलिए कोई भी काल्पनिक शीर्षक नहीं. होशाहली इज आवर विलेज. होशाहली हमारा गांव है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. तुमने इसके बारे में तो सुना ही होगा. नो नहीं, वट ए पिटी. कितनी दुख की बात है, कितनी छोटी बात है, कितनी तुच्छ बात है. बट इट इज नॉट योर फॉल्ट. किंतु इसमें तुम्हारा दोष नहीं है. देर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक. इसके बारे में किसी भी भूगोल की किताब में बताया ही नहीं गया. मेंशन यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब, यानी कि यहाँ की उसका वर्णन ही नहीं किया गया है. Those sahib in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. वो साहिब जो इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं, probably, perhaps, शायद, वो जानते ही नहीं थे कि ऐसा कोई स्थान अस्तित्व में है. एग्जिस्ट मीन अस्तित्व में होना. सो इसलिए मेक नो मैंशन ऑफ इट, इसलिए उन्होंने इसके बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं किया. Our own people too forget about it. हमारे खुद के लोग भी तो भूल गए इसके बारे में. You know how it is. तुम जानते हो कैसे होता है. They are like a flock of sheep. वे तो भेड़ों के झुंड की तरह हैं. Flock क्या होता है, हार्ड, भेड़ का झुंड. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. अगर एक sheep गड्ढे में जाती है, pit क्या होता है, गड्ढा, तो बाकी rest में बची हुई भी अंधी होकर उसके पीछे भेजे जाएंगी. ये नहीं देखेंगे कि वो गड्ढे में गिर चुकी तो हम क्यों गिरे. तो ऐसा ही हमारे लोग देखा देखी करते हैं. राइटर यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए दे रहा है. When both the sahibs in England and our own geographer have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remain
टू पुट इट ऑन द मैन कैन यू। जब दोनों जो इंग्लैंड में रहने वाले वो साहिब हैं और हमारे भूगोलवेता हैं, उन दोनों ने ही इसका कोई वर्णन नहीं किया, तो हमारे जो कार्टोग्राफर क्या कौन होते हैं, हु ड्राज और मेक्स मैप, यानी कि जो नक्शे बनाता है, नक्शा नवीस बोल सकते हो। तो बेचारे जो नक्शा नवीस हैं उनसे तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो इसे नक्शे में डालना याद रखेंगे, क्या तुम कर सकते हो? एंड सो देर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसीलिए किसी भी नक्शे पर हमारे गांव की छाया तक भी नहीं है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, मैंने शुरुआत तो कहीं और से की थी और अब मैं किसी और ही दिशा में चला गया। ये बात कौन बोल रहा है, राइटर बोल रहा है। उसने शुरुआत कहाँ से की थी, उसने शुरुआत की थी रंगाज मैरिज, यानी कि टाइटल उसने दिया था रंगा की शादी, और बात करने लग गया गाँव की, इसलिए माफ़ी मांग रहा है। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा व्हाट द कैरी गोधाबो इज टू इफ हेस्तुमी देन होसा अली इज टू मैसूर स्टेट दैट द फिलिंग इज टू द कैरी गोधाबो। कैरी गोधाबो एक मिठाई का नाम है, ए साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए फेस्टिवल। यह एक दक्षिणी भारत की एक मिठाई है जो त्यौहार के ऊपर तैयार की जाती है। ये कहना चाहता है भारतवर्ष में महसूस इस तरह से है जैसे कि त्यौहार में कैरी गोधाबो मिठाई, यानी कि वहाँ त्यौहार पर अगर इस मिठाई को न बनाया जाए तो अधूरा सा लगेगा, तो भारतवर्ष भी मैसूर के बिना अधूरा लगेगा। इसी तरह से मैसूर में होसा होली गांव इस तरह से है जैसे कि इस मिठाई में जो भ्रावन भरा जाता है, अगर इस मिठाई का भ्रावन निकाल दिया जाए तो क्या ये मिठाई पूरी होगी, अधूरी रहेगी। इसी तरह से ये कहना चाहते हैं अगर मैसूर से होसा होली को निकाल दिया जाए तो मैसूर कंप्लीट नहीं लगेगा। तो इतना महत्वपूर्ण है हमारा गांव, राइटर का कहना है ये। व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, जो कुछ मैंने कहा है वो पूर्ण रूप से सच है, मेरा विश्वास करो। एब्सोल्युटली का मीनिंग आप कंप्लीटली कर सकते हो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू यूर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टक टू माई ओपिनियन, मैं अगर आप क्वेश्चन करते हो, पर्सन करते हो, इस पर कोई आपत्ति जताते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, किंतु मैं मेरी राय के साथ चिपका रहूँगा, मैं मेरी राय पे अडिक रहूँगा। स्टिक क्या होता है, रिमेन फिक्स्ड, मैं मेरी राय के ऊपर अडिक रहूँगा, यानी कि मेरे गांव के प्रति मेरे मन में जो विचार हैं वो ऐसे ही रहेंगे। आप क्वेश्चन करते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसा होली, मैं अकेला नहीं हूँ जो होसा होली की इतनी प्रशंसा करता है, स्पीक्स ग्लोइंगली, प्रेजिंग हाईली। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, हिज नेम इज गुंडा भट्टा, उसका नाम गुंडा भट्टा है, ही एग्रीज विद मी, वो भी मुझसे सहमत है। राइटर क्या कहते हैं कि मैं जैसे होसा होली की प्रशंसा करता हूँ ना, वो भी उतनी ही करते हैं। ही हैज बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेज, वो कुछ स्थानों पर गए हैं, नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड तो नहीं गए हैं। इफ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज बीन देयर, ही सेज नो अनैया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। अगर उनसे कोई ये पूछे ना कि तुम इस स्थान पे गए हो क्या, तो वो कहते हैं नहीं, अनैया यहाँ पे क्या है, या कन्नड़ में जो बड़े होते हैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए वर्ड बोला जाता है, बोले ये स्थान तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी, फिर कहते हैं कि पिस्सू के सताए हुए कुत्ते की तरह इधर उधर भागना मेरा काम नहीं है, यानी कुत्ते को अगर पिस्सू लग जाता है, ये कीट होता है, उसके त्वचा पे अगर वो चिपक जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो चैन से बैठ नहीं पाता, उसकी वजह से इधर उधर भागता रहता है जब तक वो पिस्सू उसकी त्वचा से हटता नहीं है तब तक। तो बोले इस तरह से भागना मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो फिर कहता है यद भी मैंने मेरे समय में कुछ स्थान देखे हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, जहाँ तक वास्तविकता का सवाल है तो उसने बहुत सारे स्थान देखे हैं। या फिर राइटर ये सारी बातें क्यों बोल रहा है, राइटर कहना चाहता है कि भी वो इस गांव की तारीफ करता है क्योंकि उसने बहुत सारे गांव की सैर कर रखी, बहुत जगह वो जाके आया है, तो उसको सबसे अच्छा होसा होली ही लगता है, यानी कि वो अपने गांव की तारीफ कर रहा है और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भी हमारा गांव सच में अच्छा है, यानी कि ये इतनी जगह घूम आया फिर भी हमारे गांव की तारीफ करता है तो सच में ही हमारा गांव बहुत बढ़िया है। राइटर ये सिद्ध करना चाहते हैं ये सारी बातें बोलकर। वी हैव सम मैंगो ट्रीज
इन आवर विलेज हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, हमारे गांव की यात्रा करो और मैं तुम्हें उनमें से एक कच्चा आम दूंगा। रॉ क्या होता है? नॉट राइप, जो पका हुआ ना हो। डू नॉट ईट इट, इसे खाना मत, जस्ट टेक ए बाइट, बस एक बाइट लेना। द शॉर्नेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा, इसका जो खट्टापन है वो इतना खट्टा है जो सीधा तुम्हारे दिमाग में जाएगा। ब्रह्मरंध्रा का मीनिंग कर सकते हो द सॉफ्ट पार्ट इन ए चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन ज्वाइंट लेटर, यानी कि बच्चे के सिर का वो मुलायम हिस्सा जहाँ बाद में खोपड़ी की हड्डियाँ हैं वो आपस में उनका ज्वाइंट होता है, यानी कि वो जोड़ती हैं, यानी कि हमारे दिमाग। ये क्या कह रहा है? उसका खट्टापन सीधा आपके दिमाग में जाएगा एक बाइट लेने से। आई वंस टुक वन सच फूड होम एंड चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, एक बार ऐसा ही फल मैं घर लेकर गया था और उसे चटनी बनाई गई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने इसको खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, खांसी इसके बाद जिससे हम पीड़ित हुए। इट वाज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, जब मैं खांसी की दवाई लेकर आया तब जाके ये ठीक हुआ और तब डॉक्टर ने मुझे इस फल की जो विशेष गुणवत्ता है उसके बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, यानी कि जैसे आम विशेष है उसी तरह से प्रत्येक दूसरी चीज़ हमारे गांव की स्पेशल है, विशेष है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द ईवर सो फाइन वाटर ऑफ विलेज पॉन्ड, गाँव का जो तालाब है उसके ताज़ा पानी के अंदर, उसके बढ़िया पानी, साफ सुथरे पानी के अंदर एक लता है, एक बेल है। इट्स फ्लावर आर ए फिस्ट टू बी होल्ड, इसके जो फूल हैं, बी होल्ड यहाँ पे क्या है? सी, देखना, देखने में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। फिस्ट का मीनिंग डिलाइट कर सकते हो हेयर, यहाँ पे वैसे तो फिस्ट दावत होती है, यहाँ पे डिलाइट यानी कि खुश कर देने वाले हैं, यानी कि देखने में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। गेट टू लिव फ्रॉम द क्रीपर When you go to the pond for your bath, जब तुम स्नान करने के लिए तालाब पर जाओ तो दो पत्ते ले लो। And you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal, और तुम्हें चिंतित नहीं होना पड़ेगा दोपहर बाद का भोजन परोसने के लिए कि भी पत्ते नहीं हैं। वहाँ पे उस समय पर पत्तों पे ही भोजन किया जाता था और मंदिरों में तो आजकल भी करवाया जाता है। You will say I am rambling, तुम कहोगे कि मैं बहक गया हूँ। Rambling यहाँ पे क्या है? Beating about the bush, यानी कि इधर उधर की हाँकना। It is always like that when the subject of our village comes up, जब हमारे गांव का विषय आता है ना तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। But enough, किंतु काफ़ी हो गया। If anyone of you would like to visit us, drop me a line, यदि आप में से कोई भी हमारे यहाँ आना चाहे तो एक लाइन लेकर एक मैसेज भेज देना। आई विल लेट यू नो वेयर होशाहोली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, मैं तुम्हें बता दूंगा कि होशाहोली कहाँ है और यहाँ की कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री, सबसे बढ़िया तरीका है किसी स्थान के जानना कि वहाँ की यात्रा करो, क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो ऐसी घटना है जो 10 साल पहले घटित हुई थी। We did not have many people who knew English then. तब हमारे यहाँ इतने लोग नहीं थे, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to the Bangalore to study. हमारे गांव का जो लेखाकार था उसमें काफ़ी साहस था जिसने अपने बेटे को बेंगलोर भेजा था अध्ययन के लिए। It is different now. अब अलग बात है। There are many who know English, यानी कि अब बहुत हैं जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं। During the holidays, you come across them on every street talking in English. छुट्टियों के दौरान तुम्हें प्रत्येक गली में इंग्लिश में बात करते हुए लोग मिल जाएंगे। आज ये बात है, यानी कि 10 साल पहले बहुत कम लोग इंग्लिश जानते थे और आज अब यहाँ पे आओगे तो प्रत्येक गली में आपको इंग्लिश में बात करते हुए लोग मिल जाएंगे। दोज डेज
वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा जब हम कन्नड़ भाषा में बात कर रहे होते थे तो हम एक इंग्लिश का वर्ड भी अपने मुंह पर नहीं लेके आते थे इंग्लिश बोलते तो थे ही नहीं वाट हैज हैपन इज डिसग्रेसफुल बिलीव मी मेरा विश्वास करो जो भी हुआ वो अशोभनीय था डिसग्रेसफुल का मीनिंग आप कर सकते हो इनडिसेंट अशोभनीय द अदर डे आई वॉज इन रमा रॉयज हाउस व्हेन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड किसी दूसरे दिन मैं रमा रॉय के घर पर था और तब उन्होंने एक लकड़ियों का यानी कि जलावन की फायरवुड क्या होती है जलावन की लकड़ियाँ एक बंडल खरीदा जलावन की लकड़ियों का आजकल तो गैस पे काम करते हैं पहले चूल्हे में काम किया जाता था और जलावन की लकड़ियाँ भी चाहिए होती थी तो वो जब उनके घर बैठा हुआ था तो उन्होंने एक बंडल किसी से जलाने वाली चूल्हे में जलाने वाली लकड़ियाँ खरीदी रमा रॉय सन केम आउट टू पे फॉर इट रमा रॉय का जो बेटा था वो इसका भुगतान करने के लिए बाहर आया ही आस्क्ड द वीमन हाउ मच शुड आई गिव यू उसने उस महिला से पूछा कि तुम्हें मैं कितना दूँ फोर पाइस सी सेड उसने कहा चार पैसे द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग लड़के ने उससे कहा कि उसके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं और अगली सुबह आई चेंज का मीनिंग है स्मॉल कॉइन छोटे पैसे द पुअर वीमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज जो गरीब महिला थी बेचारी वो इस अंग्रेजी शब्द चेंज को समझ नहीं पाई एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ और मन ही मन में बड़बड़ाती हुई चली गई मटरिंग क्या होता है कंप्लेनिंग इन ए क्वाइट वॉइस कंप्लेनिंग इन ए क्वाइट वॉइस बुड़बुड़ाते हुए चली गई आई टू डिड नॉट नो लेटर वेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड वट इट मीन्ट मैं खुद भी नहीं जानता था बाद में जब मैं रंगा के घर गया और मैंने उससे पूछा तब मुझे इसका मतलब समझ में आया राइटर किसके बारे में कहते हैं चेंज का मतलब राइटर को भी तब नहीं पता था द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज इन ए डिकेड अगो एक डिकेड क्या होता है एक दशक कमोडिटी होता है थिंग ये जो कीमत विहीन जो वस्तु है अंग्रेजी भाषा यह एक दशक पहले हमारे गाँव में ज़्यादा फैली हुई नहीं थी डिकेड का मीनिंग कर सकते हो ए पीरियड ऑफ 10 years 10 साल का समय 10 साल पहले इतनी ज़्यादा कोई इंग्लिश नहीं जानता था दैट वॉज भाई रंगाज होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट यही कारण था कि रंगा का घर आना एक बहुत बड़ी घटना बन गया पीपल रस्ड टू हिज डोरस्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम द बॉय हु हैड गोन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर इट सीम्स एंड कम रंगा इज हेयर लेट्स गो एंड हैव ए लुक अकाउंटेंट का बेटा आ गया है लड़का जो बेंगलोर अध्ययन करने के लिए गया था ऐसा लगता है कि वो अब यहाँ पे है आओ चलें और देखें अट्रैक्टेड बाई द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क्ड भीड़ से आकर्षित हुआ ट्रक में आकर्षित हुआ मैं भी चला गया और आंगन में खड़ा हो गया कोर्ट यार्ड होता ओपन प्लेस इन द हाउस यानी कि घर के अंदर एक खुली जगह होती है उसको कोर्ट यार्ड बोलते हैं और पूछा व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम इतने सारे लोग क्यों आए हैं देर इज नो परफॉर्मिंग मंकीज हियर यहाँ कोई बंदर का खेल तो हो नहीं रहा ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर व्हाट आर यू डूइंग हियर देन एक लड़का जिसका कोई दिमाग नहीं था उसने काफ़ी जोर से इतना जोर से कि प्रत्येक सुन ले उसने कहा तो फिर तुम क्या कर रहे हो जब मैंने पूछा ना कि भाई यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा होगी यहाँ कोई बंदर का खेल नहीं चल रहा तो एक लड़के ने कहा कि भाई बंदर का खेल तो चल ही नहीं रहा तो फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे ए यंगस्टर ए मेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स यानी कि एक युवा यंगस्टर एक यंग मैन एमेच्योर होता है नॉट फुली डिवेल्प्ड यानी कि जो अभी पूरी तरह से उसका विकास न हुआ हो ऐसा जिसमें कोई नैतिकता ना हो बोले ऐसा यानी कि ऐसा लड़का था वो थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट ये सोचते हुए कि ये बातें तो अब भूतकाल की हो गई आई कैप्ट क्वाइट मैं शांत रह गया मैं चुप रह गया यानी कि उसने सोचा कि भाई ऐसा तो अब आम हो गया आजकल के बच्चों में नैतिकता तो रही नहीं
तो ऐसे तो ये आम हो गया, पहले के बच्चों में थी नैतिकता, यानी कि ये तो भूतकाल की बात हो गई। ये क्यों बोल रहा है कि भाई मैं इस लड़के को बोलूंगा तो दो और बोलने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, नैतिकता आजकल के बच्चों में है ही नहीं, यानी कि ये तो पहले के बच्चों में हुआ करती थी। तो ये सोचकर मैं चुप रह गया। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद स्माइल ऑन हिज फेस। इतने सारे लोगों को वहां देखकर रंगा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए आया। हैड वी ऑल गोन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। अगर हम सारे अंदर चले जाते तो वो स्थान उस तरह से बन जाता जैसे लोग कलकत्ता का ब्लैक होल बोलते हैं। तो कलकत्ता का ब्लैक होल क्या है? ए नैरो स्पेस, यानी कि तंग सी जगह, अंडरग्राउंड एक कोठरी, और उसमें एक बार इतने सारे लोग एक साथ बंद कर दिए कि दम घुटने की वजह से उनका जान चलेगी। आप इसका इंग्लिश में मीनिंग करना चाहते हो तो ए नैरो स्पेस इन कलकत्ता वेयर मैनी इन प्रेजेंट इंग्लिश मैन डाइड ड्यू टू सफोकेशन, यानी कि दम घुटने की वजह से बहुत सारे लोगों की इसमें मौत हो गई थी, तब से इसको कलकत्ता का ब्लैक होल बुलाया जाता है। तो बोले अगर हम सारे अंदर चले जाते तो वैसा ही हो जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज। प्रत्येक हैरान हो गया ये देखकर कि रंगा वैसा ही था जैसा वो 6 महीने पहले अपने गांव को छोड़कर गया था। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम रन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड। एक बूढ़ी महिला जो उसके नजदीक खड़ी हुई थी उसने अपना हाथ उसकी छाती के ऊपर घुमाया और उसकी आंखों में देखा और कहा द जनेवारा इज स्टिल देयर। जनेवारा क्या होती है? स्कर्ट थ्रेड वोरन बाय ब्राह्मिन्स, एक पवित्र धागा जो ब्राह्मण पहनते हैं। पहले तो सब हिंदू पहनते थे, एक सूत का कच्चा धागा होता है और वो पहना जाता था। अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, कोई मंदिर वगैरह में जो पंडित जो लोग जो होते हैं वही पहनते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे नियम होते हैं। तो पहले हिंदू की ये पहचान होती थी जनेऊ और चोटी, तो वो देखती है कि जनेऊ अभी भी है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति को अपने धर्म को नहीं खोया है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, इसके सीगर बाद वो चली गई, यानी कि जब उसे तसल्ली होगी कि भी इसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, फिर वो चली गई। रंगा लाफ, रंगा हंसा, जब उसने कहा ना कि भी जनेऊ पहन रखी है तो रंगा को हंसी आई इस बात पर। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स लेग्स आईज नोज द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक ए लैम्प ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ। एक बार जब उन्हें एहसास हो गया कि रंगा के वैसे ही हाथ हैं, वैसे ही टांगे, आँख नाक सब कुछ वैसे का वैसा है, तो भीड़ थी वो इस तरह से गायब हो गई। मेल्टेड वैसे तो पिघलना होता है, यहाँ पर ये इसने एक इसका वो दे दिया, मेटाफोर दे दिया, इस तरह से गायब हो गई जैसे कि बच्चे के मुंह में चीनी, अगर वो मुंह भरकर चीनी ले ले मुंह में, और वो कितनी जल्दी गायब हो जाती है उसके मुंह में, कितनी जल्दी पिघल जाती है, उस तरह से भीड़ गायब हो गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं लगातार वहाँ खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गोन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, जब प्रत्येक चला गया तो मैंने पूछा कि रंगा कैसे हो, इज एवरी थिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तब जाके रंगा ने मेरी तरफ ध्यान दिया। ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कारा रेस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। वह मेरे नज़दीक आया और उसने बड़े आदर के साथ यह कहते हुए मुझे नमस्कार किया कि आपके आशीर्वाद से मैं सही हूँ। ब्लेसिंग्स क्या होते हैं? गुड विशेस, आशीर्वाद। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर, रंगा की करेक्टर की जो ये गुणवत्ता थी, एस्पेक्ट क्या है, उसकी जो विशेषता, उसकी जो गुणवत्ता थी, उसके चरित्र की जो विशेषता थी, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। अटेंशन मीन ध्यान और ड्रा मीन खींचना। ही न्यू वेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वह जानता था कि कब किस व्यक्ति से उसे बात करने में फायदा, एडवांटेज क्या होता है, फायदा। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और सही ढंग से असेस्ड मीन क्या होता है,
एस्टिमेटेड वैल्यूड मूल्यांकन करना और लोगों की कीमत का यानी कि योग्यता का वो बहुत ही सही ढंग से मूल्यांकन कर लेता था। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंटिव बॉय, जहाँ तक मुझे नमस्ते करने का उसका जो संबंध था तो उसने आजकल के जो लड़के होते हैं ना उस तरह से नहीं किया। With his head up towards the sun, standing stiff like a pole, without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. यानी कि उसने आजकल के लड़कों की तरह नहीं किया जो सिर को ऊपर की तरफ मुंह को ऊपर की तरफ रखते हैं और इस तरह से अकड़कर स्टिफ में अकड़कर इस तरह से खड़े हो जाते जैसे कि कोई पोल हो, जैसे कि कोई खंबा हो जिसमें किसी तरह का कोई जोड़ ही ना हो और एकदम से अपने शरीर को ऐसे झटका देते हैं या तो भाई कोई छड़ी है या फिर कोई चलती हुई छड़ी, वांड भी छड़ी होती है और स्टिक भी छड़ी होती है। नो डिड ही मेयरली होल्ड हिज हैंड, ही बेंट लो टू टच माई फिट, न केवल उसने सिर्फ हाथ जोड़े बल्कि वह मेरे पैरों को छूने के लिए नीचे झुका। मे यू गेट मैरिड सून, आई सैड ब्लेसिंग हिम, मैंने आशीर्वाद देते हुए उसको कहा कि भगवान करे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, यानी कि एक्सचेंज में आदान प्रदान करना, प्लीजेंट्रीज होता है हल्की फुल्की मनोरंजन की बातें करना, यानी कि थोड़ी हल्की फुल्की बातें करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, उस दोपहर बाद जब मैं आराम कर रहा था तो रंगा मेरे घर आया दो संतरे लेकर। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, जनरस का मीनिंग आप कर सकते हो काइंड और कंसिडरेट वन हु केयर्स फॉर अदर्स, चिंता करने वाला परवाह करने वाला, तो वह एक दयालु परवाह करने वाला व्यक्ति था। फेलो क्या होता है पर्सन। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट, मैंने सोचा कि बहुत ही अच्छी चीज़ होगी यदि ये शादी कर ले और यहीं पे सेटल हो जाए और समाज की सेवा करे। बोल मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। फॉर ए व्हाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर के लिए तो हम इधर उधर की बातें करते रहे, यानी कि राइटर जब वो आया ना तो राइटर के मन में आया कि भाई यहाँ पे अभी शादी करके और यहीं पे सेटल हो जाए और समाज की सेवा करे, तो फिर वो उससे बात करने लग जाता उसी बात की। वो थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, देन आई केम टू द पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है यानी कि शादी वाली बात, तो फिर मैं मुद्दे पर आ गया यानी कि उसको अब किस क्या बात करनी थी शादी वाली, क्योंकि उसके मन में आ गया था कि भाई शादी करके यहीं पे ये सेट हो जाएगी। रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगा तुम्हारी शादी कब करने की योजना है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड, उसने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करने वाला हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे एक सही लड़की ढूंढने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। आई नो एन ऑफिसर हु गोट मैरिड ओनली 6 months अगो, मैं एक अधिकारी को जानता हूँ, ये बातें कौन बोल रहा है, रंगा बोल रहा है, जिसने 6 महीने पहले शादी की। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, वह लगभग 30 साल का था और उसकी पत्नी 25 साल की। I am told, मुझे बताया गया है, यानी कि कह रहा कि ये बात मुझे किसी ने बताई है कि उस अधिकारी की उम्र तो 30 साल और उसकी पत्नी की उम्र 25 साल। ये सारी बातें वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि उनके गांव की परंपरा थी कि 10 से 13 साल की लड़की की ही शादी कर दी जाती थी और लड़का होता था 20 से 25 साल का। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करने में समर्थ होंगे। लेट्स सी, आओ मान ले, यहाँ पे कि आओ एक बार के लिए कह देते हैं या फिर मान लेते हैं कि आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, यानी कि मैं एक बहुत ही छोटी लड़की से शादी कर लेता हूँ। यहाँ पे यंग क्या है, छोटी। सी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, वो मेरे प्यार में बोले गए शब्दों को गुस्से में बोले गए शब्द मान ले, यानी कि छोटी लड़की है, मैं उसे कोई बात प्यार से कहूँ वो समझ ले कि मैंने गुस्से में कहा है। रिसेंटली, हाल ही में, ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, यानी कि हाल ही में, ट्रूप क्या होता है, एक ग्रुप, गायन करने वाले, यानी कि एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स बोल सकते हो, एक्टर्स ये भी बोल सकते हो, गायन मंडली बोल सकते हो, नाटक मंडली भी बोल सकते हो, यहाँ पे नाटक मंडली सही रहेगा क्योंकि ये नाटक दिखाने वाले थे। तो उन्होंने बेंगलोर में एक नाटक दिखाया शकुंतला का। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ सी वर यंग,
लाइक द प्रेजेंटे ब्राइड्स इज देयर, अगर आजकल की जो दुल्हनें होती हैं उसी तरह से शकुंतला अगर छोटी होती तो क्या दुष्यंत तो उसके प्यार में पड़ते, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि वो हम उम्र थे तब उनमें प्यार हुआ और तब वो जाके नाटक बना। वट वुड हैव हैपन टू कालिदासाज प्लेज, फिर कालिदास के नाटक का क्या होता। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज मैच्योर, यदि कोई शादी करना चाहे तो उसे एक मैच्योर, फिर से वही आ गया फुल्ली डिवेलप्ड, यानी कि परिपक्व लड़की से शादी करनी चाहिए, यानी कि 18-20 से ऊपर की उम्र की लड़की से शादी करनी चाहिए, यहाँ पे राइटर ये कहना चाहता है। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, अन्यथा व्यक्ति को कुंवारा ही रह जाना चाहिए। बैचलर क्या होता है, अनमैरिड, कुंवारा। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही कारण है कि मैं अब शादी नहीं कर रहा हूँ। यानी कि अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है लेकिन बाद में ये देखो कितनी छोटी, जब इसकी खुद की शादी की बात आएगी ना तो ये भी और लड़कों जैसा ही है, गांव की जो परंपरा उसी के अकॉर्डिंग कर लेगा, यही इसमें बताया गया है। इज देयर एनी अदर रीजन, क्या कोई और कारण है। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, एक व्यक्ति को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता हो। एडमायर्स क्या है, प्रेज, प्रशंसा करना। वट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस, आजकल जो अरेंज मैरिज हो रही हैं उनका क्या। अरेंज मैरिज क्या होती है, दो परिवार मिलकर एक शादी की व्यवस्था करते हैं, दो बच्चों के की शादी करवाते हैं तो उसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड रेडनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कोई भी कैसी प्रशंसा कर सकता है एक लड़की की जिसके चेहरे के एक तरफ तो दूध के धब्बे लगे हुए, स्टेन्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स धब्बे, और दूसरी तरफ उसकी गाल पर थोड़ा सा गीलापन है, यानी कि दूध की वजह से अभी भी गीलापन है, या फिर ये कहें कि इतनी छोटी कि अच्छे ढंग से अपने नाखून भी नहीं काट सकती, तो इतनी छोटी बच्ची की यानी कि दूध में ही बच्ची की कोई प्रशंसा कैसे कर सकता है। यानी कि इतनी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती है हमारे गाँव में, बोले वो सही नहीं है। वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गोड, यानी कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि करेला अपने आप में ही कड़वा होता है और फिर करेले की बेल को नीम पे चढ़ा दो तो वो भी कड़वी हो जाएगी। ये बात कौन बोला, राइटर। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, रंगा ने हंसते हुए कहा कि भी ठीक यही बात मैं कह रहा हूँ। जब राइटर ने ये बोला तब रंगा ने ये बोला, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, मैं तो परेशान हो गया। डिस्ट्रेस्ड क्या होता है, पेंड, मुझे तो बड़ा दुख हुआ, सैड भी कह सकते हो यहाँ पे, कि जिस लड़के को मैंने एक अच्छा पति समझा था उसने तो कवारा रहने का ही फैसला कर लिया, क्योंकि उनके गाँव में तो बड़ी लड़कियों की तो शादी होती नहीं थी, छोटी छोटी लड़कियों की होती थी, तो इसका मतलब वो कवारा ही रह जाता क्योंकि 25 की उम्र तक तो कोई वेट ही नहीं करता था। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, थोड़ी देर और बात करने के बाद रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैंने तभी मेरे दिमाग में ये समझौता कर लिया, ये बात पक्की कर ली कि मैं उसकी शादी करवा के रहूँगा। आई वुड गेट हिम मैरिड, मैं उसकी शादी करवा के रहूँगा। रमा रॉय जिनिस, ये रमा रॉय वही है जिसके घर पे वो जलावन की लकड़ियाँ खरीदी गई थी। ए प्रीटी गर्ल ऑफ 11, एक सुंदर सी लड़की थी 11 साल की, प्रीटी मीन सुंदर, हैड कम टू स्टे विद हिम, वह उसके साथ ठहरने के लिए आई थी, यानी कि अपने चाचा के घर आई थी। सी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, वह एक बड़े शहर से थी इसलिए वो जानती थी कि वीणा और हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। सी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता दोनों स्वर्ग सिधार गए थे। एंड हर अंकल हैड ब्रोट हर होम, और उसके चाचा थे वो उसे अपने घर ले आए। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड सी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, रंगा उसके लिए एकदम परफेक्ट लड़का है और वह उसके लिए सबसे सूटेबल दुल्हन है। सिंस आई वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू रमा रोइज प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, क्योंकि फ्रीक्वेंट यहाँ पे क्या है, ऑफन, प्राय, अगेन एंड अगेन, मैं प्राय उनके घर पे जाया करता था रमा रॉय के घर पे, इसलिए लड़की मेरे साथ एकदम घुल मिल गई थी, मेरे साथ बिल्कुल फ्री हो गई थी।
आई कंप्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम, मैं उसका नाम बताना तो पूर्ण रूप से भूल ही गया, रत्ना, इट वॉज, उसका नाम क्या था, रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रमा रोज वाइफ, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू। अब ठीक अगली सुबह मैं रमा रोय के घर गया और उसकी पत्नी को कहा कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी छाछ भेजूंगा, आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना से कहना कि वो इसे लेकर आए। तो वो एक बहाना था छाछ का, तो लस्सी का तो उसका काम तो और ही था। रत्ना केम, रत्ना आई, इट वॉज ए फ्राइडे सो सी वॉज वियरिंग ए ग्रांड साड़ी, शुक्रवार का दिन था इसलिए उसने बहुत ही शानदार, ग्रांड क्या होती, शानदार साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसको कहा कि मेरे कमरे में बैठ जाए, एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, और उसे गाना गाने की प्रार्थना की। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को भी बुला लिया। व्हाइल सी वाज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आई, जब वो ये गीत गा रही थी कि कृष्ण मूर्ति मेरी आंखों के सामने, ये गीत के बोल हैं, रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे पर पहुंचा, जब वो ये गीत के बोल गा रही थी तभी रंगा दरवाजे पर पहुंच गए। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशहोल्ड, वह दहलीज पर ही रुक गया, दहलीज क्या होती है, दरवाजा, दरवाजे गेट का जो नीचे का फर्श होता है उसको दहलीज बोलते हैं, बिल्कुल, तो एकदम गेट के ऊपर ही रुक जाता है वो। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, वह गाना रोकना नहीं चाहता था लेकिन गायन करने वाले को, गायक को वो देखना का देखना चाहता था, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासा थी उसके मन में, ईगरनेस थी गाने वाले को देखने की। केयरफुली ही पिप्ड इन, बड़े ध्यान से उसने अंदर झांक कर देखा, पिप इन झांकना, द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, जो कमरे के अंदर जो प्रकाश आ रहा था वो उसके अंदर झांकने की वजह से वो बंद हो गया। रत्ना लुक्ड अप, एकदम से प्रकाश बंद हुआ तो रत्ना ने ऊपर देखा, एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर अब्रुप्टली स्टॉप्ड, और एक अजनबी को देखकर उसने अचानक अपना गाना रोक दिया, अब्रुप्टली का मीनिंग कर सकते हो सडनली। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लो कि तुमने बहुत ही बढ़िया किस्म का एक आम खरीदा, सपोज मीन मानना, यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फिलस, तुम इसे धीरे धीरे इसका जो छिलके का जो हिस्सा है उसका मजा लेते हुए इसको खा रहे हो, और इसका जो जूस वाला जो गुद्देदार जो हिस्सा है उसकी एक बाइट लेते उससे पहले, यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, तुम इसका एक भी हिस्सा वेस्ट नहीं करना चाहते हो क्योंकि वो इतना मीठा आम है। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, यानी कि तुमने एक बाइट ली नहीं उससे पहले ही, यानी कि दूसरी बाइट लो उससे पहले, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, फ्रूट है वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है और जमीन पर गिर जाता है, हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो। रंगा फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट बिहाइंड द सिंगिंग स्टॉप्ड, रंगा के चेहरे ने ठीक वैसी ही निराशा दिखाई जब गाना बंद हुआ, जैसी कि तुम्हारा वो फल जो तुम बड़ा मजा लेके खा रहे थे वो खाया नहीं उससे पहले, आपके हाथ से फिसल कर गिर गया, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, वैसा ही रंगा को महसूस हुआ जब गाना बंद हुआ। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन ए चेयर, उसने पूछा जैसे वो अंदर आया और कुर्सी पर बैठा कि तुमने मुझे बुलाया था, ये बात कौन बोल रहा है, रंगा बोल रहा है, यानी कि फिर वो अंदर आ जाता है कुर्सी पर बैठ जाता है, फिर पूछता राइटर से कि आपने मुझे बुलाया था। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस हर हेड लोअर्ड, रत्ना थोड़ी दूर खड़ी हो गई अपने सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाकर, लोअर्ड में नीचे झुकाना। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा बार बार उसको देख रहा था, रिपीटेडली यहाँ पे क्या है, अगेन एंड अगेन। वंस अवर आईज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, एक बार हमारी नजरें मिल गई, किसकी नजरें मिल गई, राइटर की और रंगा की, क्योंकि वो रत्ना को देख रहा था, राइटर रंगा की तरफ देख रहा था कि इसके भाव कैसे हैं, क्योंकि वो तो उनकी शादी करवाने वाला था। दोनों की नजर मिल जाती हैं और रंगा को बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है इस पर। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक कोई नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग लेट मी लीव, मेरा आना हुआ और गाना बंद हुआ, मुझे जाने दो, यानी कि मुझे चलना चाहिए,
वर्ड्स मेयर वर्ड्स, शब्द तो शब्द ही होते हैं। ये बातें कौन बोल रहा है? रंगा बोल रहा है। फिर बाद में बोले मेरा तो आना हुआ और गाना बंद होना हुआ, मुझे जाना चाहिए, लेकिन ये वो शब्द तो शब्द ही होते हैं। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव। व्यक्ति ने कहा कि मुझे जाना चाहिए किंतु वो हिला भी नहीं, यानी कि वो बोल तो रहा है कि मुझे जाना चाहिए लेकिन वो हिला भी नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलियुगा, यानी कि कलयुग के इन दिनों में तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि शब्द काम से मेल खाएंगे। यानी कि वो कह रहा मुझे जाना चाहिए, ऋषि के साथ वो चला जाए, बोले ऐसी उम्मीद आप इस कलयुग में कैसे कर सकते हो। ये हमारे युग बताए गए हैं हिंदू धर्म में, जैसे कि त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो अब कलयुग चल रहा है ऐसा कहा जाता है, तो कलयुग में लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, और स्टोरी में भी यही बताया गया है, ऐसा माना जाता है। रत्ना रन इनसाइड ओवरकम बाय साइनस, अपने शर्मीलेपन पर काबू कर पाकर रत्ना अंदर की तरफ दौड़ गई। साइनस क्या होती है? शर्मीलापन। आफ्टर वाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी, थोड़ी देर बाद रंगा ने पूछा कि स्वामी वो लड़की कौन है। हु इज दैट इनसाइड द लॉयन वॉन्टेड टू नो। द ही गॉट हु टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, यानी कि अंदर कौन है? शेर जानना चाहता है। जो बकरा जो मंदिर के अंदर जिसने शेल्टर में आश्रय ले रखा है, उसने उत्तर दिया डज इट मैटर हु आई एम, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस, मैं एक बेचारा पशु हूँ जिसने पहले से 9 बाघ खा लिए हैं। I have vowed to eat one more. मैंने एक और खाने की कसम खाई, वो मीन कसम खाना। Tell me, मुझे बताओ, are you male or female? तुम नर हो या मादा? The lion fled the place in fear, it seems. ऐसा लगता है कि शेर है वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। Like the he goat, I said, मैंने कहा what does it matter to either of us who she is? बोले हम दोनों में से किसी को क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है। I am already married and you are not the marrying kind, और तुम शादी करना नहीं चाहते हो। यानी कि ये एग्जाम्पल देकर बता रहा है राइटर यहाँ पे कि भाई इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है, कि भाई मेरी तो मैं तो शादीशुदा हूँ और आप शादी करने वाले हो नहीं। वेरी होपफुली ही आस्क्ड सी इजंट मैरिड देन, बड़ी उम्मीद के साथ उसने पूछा तो फिर उसकी शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, उसकी आवाज़ ने उसके जोश को नहीं दिखाया। बिटरी धोखा देना होता है, यहाँ पे शो करना है, तो आप बिटरी का मीनिंग यहाँ पे शो कर सकते हो। तो बोले उसकी आवाज़ ने उसकी जोश को नहीं दिखाया किंतु मैं जानता था कि उसकी आवाज़ में जोश था, यानी कि वो उसको राइटर को दिखाना नहीं चाहता था। उसको लड़की पसंद आ गई थी लेकिन वो अभी उसको दिखाना नहीं चाहता था शर्म के मारे। ये हमारे मैनर्स होते हैं, और राइटर को समझ आ गया था भाई हाँ इसको ये लड़की पसंद आ चुकी है। सी वॉज बैरिड ए ईयर अगो, इसकी एक साल पहले शादी हो गई है। हिज फेस सीवर्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, उसका चेहरा सीवर्ड यहाँ पे कर सकते हैं विदर्ड, उसका चेहरा ऐसे मुरझा गया जैसे भुना हुआ बैंगन। रोस्टेड क्या होता है? बेक्ड ऑन फायर, आग के ऊपर पकाया गया, भुना गया। तो जैसे आग के ऊपर भुनने के बाद बैंगन की स्कल कैसी हो जाती है, इस तरह से उसका चेहरा मुरझा गया, किसका? रंगा का। आफ्टर ए व्हाइल रंगा लेफ्ट Saying, I must go, I have work at home. थोड़ी देर बाद रंगा चला गया ये कहते हुए कि मुझे जाना चाहिए, मुझे घर पर काम है। I went to our Shastri the next morning and told him. अगली सुबह हमारे शास्त्री के पास गया मैं और उसको मैंने बताया Keep everything ready to read the stars. नक्षत्र पढ़ने के लिए प्रत्येक चीज तैयार रखो। I will come later, मैं बाद में आऊँगा। I tattered him in all that I wanted him to say. मैं उससे जो कहलवाना चाहता था वो सब बातें मैंने उसको सिखा दी। टैटर्ड यहाँ पे क्या है? टोट, सिखा दी। यानी कि वो शास्त्री के पास जाकर उसको सब कुछ अपनी उस अपनी योजना का, ये दूसरा हिस्सा उसका शादी की योजना का, तो उसको सब बातें पहले बताकर आ गया। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, उस दोपहर बाद जब मैं रंगा से मिला तो मुझे उसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड, मैंने कहा भी क्या मामला है, ऐसा लगता है कि तुम विचारों में खोए हुए हो, यानी कि तुम विचारों में खोए हुए लग रहे हो, सिमिन प्रतीत होना लगना। नथिंग नथिंग स्ट्रॉन्ग बिलीव मी, कुछ नहीं, मेरा विश्वास करो कुछ भी गलत नहीं है।
ये बातें कौन बोल रहा है? रंगा। जब राइटर ने उससे पूछा कि भी क्या हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम विचारों में खोए हुए हो। हेडेक कैम लेट्स एंड सी ए डॉक्टर, बोल सिर दर्द है आओ डॉक्टर को दिखा लें। ये बातें कौन बोल रहा है? राइटर बोल रहा है रंगा को। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, मैं एकदम सामान्य हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, मैं भी ऐसी ही स्थिति से गुजरा था जब मेरे लिए लड़की चुनने का काम चल रहा था या फिर लड़की चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीजन फॉर यूर प्रेजेंट कंडीशन, किंतु मैं नहीं सोचता कि तुम्हारी जो वर्तमान स्थिति है इसका ये कोई कारण हो सकता है। यानी कि वो बात को उगलवाने की कोशिश कर रहा है रंगा से, और कहता है जब लड़की चुनने का काम चल रहा था ना मेरे लिए, तब भी ऐसा ही था। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मुझे घूर कर देखा, स्टेयर मीन घूरना। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया आओ शास्त्री को दिखा कर आए। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, हम पता कर लेंगे कि जो गुरु और सनी जो हमारे ग्रह हैं वो तुम्हारे पक्ष में हैं या नहीं। यानी कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में, यानी कि हमारे धर्म में ग्रह माने जाते हैं, तो ये देखा जाता है कि भाई ये अब हमारे पक्ष में हैं या नहीं, इनके लिए कोई पूजा पाठ करवाना है या नहीं। तो बोले शास्त्री से पूछ कर आते हैं कि वो तुम्हारे पक्ष में हैं या नहीं। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा बिना कोई विरोध के, प्रोटेस्ट मीन विरोध, मेरे साथ साथ चल पड़ा। अकम्पनीड मीन साथ चलना। एज सून एज शास्त्री सामी ही एक्सक्लेम, जो ही शास्त्री ने मुझे देखा, तो एक्सक्लेम वैसे तो घोषणा करना होता है, यहाँ जोश में आकर बोला वो शास्त्री, तब यहाँ पे एक्सक्लेम दे दिया। तो शास्त्री ने कहा व्हाट ए सरप्राइज श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, बोले कितनी आश्चर्य की बात है श्यामा, मैंने तुम्हें बहुत लंबा समय हो गया देखे हुए, यानी कि तुमसे मिले बहुत लंबा समय बीत गया। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ द टेल, श्यामा कोई और नहीं तुम्हारी इस कहानी का वर्णन करता, आपका नौकर है। तो राइटर अपने आप को यहाँ पे क्या कहता है, रीडर का नौकर बता रहा है अपने आप को। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड, मैं गुस्सा हो गया और चिल्लाया, व्हाट, क्या, ओनली दिस मॉर्निंग, केवल आज सुबह ही। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरे इस वाक्य को पूरा किया, यानी कि मैं इतना ही बोला, इतने में शास्त्री बोल पड़ा। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, आज सुबह ही तुमने अपना सारा काम समाप्त किया और अब फ्री हो गए मुझसे मिलने के लिए। हैड ही नॉट डन सो, यदि उसने ऐसा नहीं किया होता, आई वुड हैव रुइन्ड आवर प्लान बाय ब्रस्टिंग लाइक ए ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, मैं तो हमारी योजना को, प्लान योजना को ऐसे बर्बाद कर देता जैसे कि सूर्य की धूप में अनाज की फलियों को रखा जाता है सुखाने के लिए, और जब वो सूख जाते हैं तो अनाज उनमें से फूट फूट कर निकल जाता है। तो बोले ऐसे मैं मेरी योजना को, हमारी योजना को बर्बाद कर देता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टरवर्ड, इसके बाद जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए मैं अत्यधिक रूप से सावधान रहा, यानी कि याद नहीं रहा, तुरंत बोल पड़ा, बोला आज सुबह ही तो आया था, ये बोलने वाला था तो आज सुबह ही इतना बोला। इतने में शास्त्री ने उसके सेंटेंस को पूरा करके उसकी उस बात को वहीं पर बचा लिया। तो उसके बाद मैं जो भी बोला बड़ा ध्यान रखा मैंने। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट कलरक कम होम, हमारे जो लेखाकार कलरक का, लिपि का जो बेटा है वो कब घर पर आया। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, ये बहुत ही दुर्लभ चांस होते हैं कि वो हमसे मिलने आए। टेक आउट योर पैराफेरनलिया, पैराफेरनलिया यहाँ पे क्या, इक्विपमेंट, साजो सामान, यानी कि जो भी डॉक्टर होता है उसका अलग से साजो सामान होता है, ज्योतिष देखने वाला जो होता है उसका अलग से साजो सामान होता है। तो बोले अपना जो साजो सामान है वो निकाल। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, ऐसा लगता है कि हमारे रंगा के दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स द वरिंग हिम, क्या तुम हमें बता सकते हो कि उसे किस बात की चिंता है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या तुम्हारी जो ज्योतिष विज्ञान है इसका हम टेस्ट ले लें, इसकी परीक्षा ले लें। देर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, जब मैं शास्त्री से बोला तो मेरी आवाज़ में
एक रोब था, अथॉरिटी यहाँ पे क्या है, रोब होना, जोश होना. ही टुक आउट टू शीट्स ऑफ पेपर, सम कोरीज एंड ए बुक ऑफ पलमायरा लीव्स, सेइंग आवर इज एन एंशिएंट साइंस. अय्या, उसने दो पेपर की सीट निकाली, सम कुछ कोड़ियाँ निकाली और एक पलमायरा लीव, एक पाम पत्र होता है, उसके पत्तों पर पहले किताबें लिखी जाती थी, तो वो किताब निकाली ये कहते हुए कि हमारा भी एक प्राचीन विज्ञान है. अय्या, ये भी यहाँ कन्नड़ में बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए बोला जाता है. देर इज ए स्टोरी टू इट, इसकी भी एक कहानी है, बट आई वुडंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, किंतु अब मैं तुम्हें वो कहानी नहीं बताऊंगा. दैट इज नोट ए हरी कथा विच अलोज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी. ये कोई हरी कथा तो चल नहीं रही है जो तुम्हें कहानी के बीच में कहानी बताने की आज्ञा दे दें, यानी कि जैसे कि भगवत गीता का पाठ चल रहा होता है तो उसमें कोई कहानी आ जाती है तो उसके बीच में, जैसे कि कहानी तो कृष्ण कन्हैया की चल रही है और बीच में कोई और पात्र आ जाता है तो उसकी कहानी सुना देते हैं, तो बोले ऐसे कोई हरी कथा तो चल नहीं रही, उसमें कहानी के बीच में कहानी सुना दी जाए. तो यू मे गेट बोर्ड, तुम अगर मैं अब कहानी ये सुनाऊंगा इस ज्योतिष से संबंधित तो आप उकता जाओगे. आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं तुम्हें किसी और समय बताऊंगा. शास्त्री मूड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड. शास्त्री ने अपनी उंगलियों पे कुछ गिना तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी अपने होठों को हिला रहा था, यानी कि मन ही मन में कुछ बोल रहा था. एंड फिर उसने कहा, व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारा नक्षत्र क्या है. रंगा डिडंट नो, रंगा नहीं जानता था. नेवर माइंड, कोई बात नहीं. शास्त्री इंडिकेटेड विद शेक ऑफ हिज हैंड, शास्त्री ने अपना हाथ हिलाकर इशारा कर दिया. इंडिकेट मीन इशारा करना, शेक मीन हिलाना. और ये पलमायरा जो ट्री है इसको आप ताड़ का वृक्ष भी बोल सकते हो. ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन, एक गंभीर लहजे में, सीरियस टोन गंभीर लहजा में कुछ कहने से पहले उसने कुछ और गणनाएं की, कैलकुलेशंस गणनाएं. इट्स अबाउट ए गर्ल, यह यानी कि गंभीर लहजे में बोलता है, यह एक लड़की के बारे में है. आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाहिल, मैं इस दौरान अपनी हंसी पे नियंत्रण किए हुए था, यानी कि जब वो सब देख रहा था, क्योंकि वो हंसी क्यों आ रही थी, क्योंकि वो सब बातें उसको बता के गया था, वही बताने वाला था, फिर भी वो इस तरह का दिखावा कर रहा था जैसे कि वो ज्योतिष से कुछ निकाल रहा हो. एग्जैक्टली वट आई हैड सेड, ठीक वही जो मैंने कहा था. हु इज द गर्ल, लड़की कौन है. इट वॉज यूर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, ये तुम्हारा विनम्र नौकर है जिसने ये प्रश्न पूछा, यानी कि ये बात किसने पूछी, राइटर ने. तो राइटर कह रहा है, ये अपने आप को रीडर का नौकर बता रहा है ना, तो बोले ये बात मैंने पूछी. शास्त्री थॉट फॉर ए व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग, जब उसने पूछा ना कि लड़की कौन है, तो शास्त्री ने उत्तर दिया, उससे पहले थोड़ी देर सोचा. सी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, प्रोबेबली क्या होता है, प्रहप्स, शायद उसका नाम सागर में पाई जाने वाली किसी चीज से है. कमला में भी, शायद कमला हो सकता है. कुड इट बी पाची मोस, ये काई या फिर पचवी काई होता है क्या, इस तरह की कोई चीज नहीं हो सकती. मस्ट इट बी मोस इफ इट्स नोट कमला, अगर ये कमला नहीं तो मोस जरूर है, यानी कि काई अवश्य होना चाहिए. वाई नॉट पेरल और रत्ना द प्रीवियस स्टोन, मोती या फिर रत्न कीमती पत्थर क्यों नहीं हो सकते. रत्ना, द गर्ल इन रमा रोईज हाउस इज रत्ना, रमा रोई के घर में लड़की का नाम रत्ना है. टेल मी इज देर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बेयरिंग फ्रूट, क्या कोई चांस है भी हमारी जो नेगोशिएशंस क्या होता है, टॉक्स ऑफ एग्रीमेंट, सहमति के लिए अगर हम कोई बात करें तो उसका कोई बेयरिंग फ्रूट्स यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसिंग बेयरिंग मीन उसका फल मिलने वाला है. अगर हम बात करें तो शास्त्री हमें देखकर बताओ भी रत्ना के साथ अगर हम कोई बात करें आगे बढ़ाएं तो क्या कोई सही फल मिलने वाला है. डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय सोचने के बाद फिर उस शास्त्री ने कहा निश्चित रूप से फल मिलने वाला है. देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, रंगा के चेहरे पर आश्चर्य था. एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशी भी थी. आई नोटिस्ड इट, मैंने इसको देख लिया था. बट दैट गर्ल इज मैरिड, किंतु उस लड़की की तो शादी हो गई. आई सैड, मैंने कहा. देन आई टर्न्ड टू हिम, फिर मैं उसकी तरफ मड़ा, किसकी तरफ, रंगा की तरफ.
हिज फेस हैड फॉलन, उसका चेहरा उतर गया था, यानी कि एकदम से उसका चेहरा मुरझा गया जब उसने ये सुना कि उस लड़की की शादी हो गई है। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सूटेबल। अब शास्त्री कहता कि भाई ये सब मैं नहीं जानता, उस लड़की की शादी हो गई, ये कोई और लड़की हो सकती है जो इसके लिए सूटेबल हो, लेकिन नाम यही होगा। आई ओनली टोल्ड यू वट अवर शास्त्रा इंडिकेटेड, मैंने तो तुम्हें केवल वही बताया जो हमारे शास्त्रों ने संकेत दिया। शास्त्री सेड, शास्त्री ने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, हमने उस स्थान को छोड़ दिया, यानी कि हम वहां से अब चले गए। ऑन द वे वी पास्ड बाई रमा रॉय'स हाउस, रस्ते में हम रमा रॉय के घर के पास से गुजरे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आई वेंट इन अलोन एंड ए केम आउट ए मिनट लेटर, मैं अंदर अकेला गया और एक मिनट बाद ही वापस आ गया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इजंट मैरिड, इट सीम्स समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट सी वाज, पर बड़े आश्चर्य की बात है उस लड़की की शादी नहीं हुई है, ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे किसी दूसरे दिन कहा था कि उसकी शादी हो गई, पर मुझे किसी ने बताया था लेकिन उसकी तो शादी हुई नहीं है। What शास्त्री told us has turned out to be true of truth, शास्त्री ने जो कुछ हमें बताया वो आखिरकार सच निकला। ये बातें वो किससे बोल रहा है, रंगा से बोल रहा है जब उनके घर से वापिस आता है। बट रंगपा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, किंतु रंगा मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो। स्वीयर ऑन द नेम ऑफ मध्वाचार्य एंड टेल मध्वाचार्य की कसम खाओ, स्वीयर मीन कसम खाओ, और मुझे बताओ इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, जो शास्त्री ने कहा क्या वो सच है। आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड, मैं नहीं जानता यदि कोई दूसरा होता तो क्या इतना सीधा स्वीकार कर लेता जितना रंगा ने स्वीकार किया। देयर्स ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन, हम कल्पना करते हैं उससे कहीं ज्यादा इन शास्त्रों में सच्चाई होती है। ये बात कौन बोला, रंगा बोला, जब उसने पूछा कि भाई मध्वाचार्य की कसम खाकर मुझे बताओ कि जो शास्त्री ने कहा वो सच है क्या, तो रंगा फिर क्या कहता है कि भाई जो शास्त्रों में हम कल्पना करते हैं उससे कहीं ज्यादा सच्चाई होती है। वट ही सैड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ उसने कहा वो पूर्ण रूप से सच है, यानी कि उसने स्वीकार कर लिया मैं रत्ना के बारे में ही सोच रहा था, बोले शास्त्री कह रहा वो सही बात है। शास्त्री वॉज एट द वेल वेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, उस शाम जब मैं शास्त्री के पास गया तो वो कुएं पर था। आई सेड, मैंने कहा सो शास्त्री गले यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टोल्ड यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, बोले आपने वो सब कुछ दोहरा दिया जो मैंने आपको सिखाया था और किसी तरह का कोई संदेह भी नहीं उठने दिया। वट ए मार्वेलियस शास्त्रा यू आर इज, मार्वेलियस यहाँ पे क्या, वंडरफुल, तुम्हारा जो शास्त्र है वो कितना अद्भुत है। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, उसको ये बात पसंद नहीं आई। वट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। वट यू सेड टू मी वाज वट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्राज, बोले तुमने जो कुछ मुझे बताया था ना वो मेरे शास्त्रों से मैं खुद भी पता कर सकता था। डोंट फॉरगेट भूलो मत, आई डेवलप्ड इन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, तुमने जो संकेत मुझे दिए थे मैंने उनको आगे बढ़ाया था, उनका विकास किया था। टेल मी, मुझे बताओ इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, क्या कोई सभ्य आदमी, डिसेंट यहाँ पे क्या सभ्य, कोई सभ्य आदमी ऐसे कहेगा, यानी कि शास्त्री को मैंने जो बताया वही उसने बोला और अब कह रहा है कि मैंने मेरे शास्त्र से सब कुछ बताया, तो बिल्कुल सभ्य। तो यहाँ पे भी वो यही कहना चाहते हैं कि लोग यहाँ पे बहुत जल्दी बदलते हैं। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, रंगप्पा किसी दूसरे दिन मुझे रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित करने आया। व्हाट्स द ओकेजन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि अवसर क्या है। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज 3, ये श्यामा का जन्मदिन है, वह 3 साल का हो गया है। इट्स नॉट ए नाइस नेम श्यामा, आई सेड, मैंने कहा कि श्यामा नाम सुंदर नहीं है। आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं तो एक तेल की जो केक होती है ना उसकी तरह काला हूँ। तो तेल की केक क्या होती है, यानी कि सरसों से या फिर किसी भी चीज़ से तेल निकाल लिया जाता है तो उसके बाद जो बचता है ना तो उसका एक काले रंग का एक सूखा एक पपड़ी बन जाती है और वो पशुओं को चारे में मिलाकर खिलाई जाती है। बोल मैं वो तो उसकी तरह काला हूँ।
Why did you have to give that golden child of yours such a name? तुमने अपने ऐसे सुनहरे रंग वाले बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया? What a childish couple you are, Ratna and you. रत्ना और तुम कैसे बचकाने पति पत्नी हो? I know. It is the English custom of naming the child after someone you like. मैं जानता हूँ यह एक अंग्रेजों की परंपरा है कि आप जिसको पसंद करते हो उसके नाम पर अपने बच्चे का नाम रख दो. Your wife is 8 months pregnant now. तुम्हारी पत्नी है वो 8 महीने से अब उम्मीद से है, यानी कि उसकी पत्नी को फिर से बच्चा होने वाला है. Who is there to help your mother to cook? बोल कौन है घर पर जो तुम्हारी माँ की सहायता करेगा भोजन पकाने में? My sister has come with her. बोले मेरी बहन आ गई है. I went there for dinner. मैं वहाँ रात्रि के भोजन के लिए गया. Shyama rushed to me when I walked in and put his arms round my legs. जब मैं अंदर गया तो श्यामा भाग कर मेरे पास आया और उस मेरी टांगों पर उसने अपनी बाजू लपेट ली, यानी कि मेरे पैरों से लिपट गया. आई किस्ड हिम ऑन हिज चिक. मैंने उसकी गाल के ऊपर चूमा. एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टाइनी लिटल फिंगर. उसकी जो छोटी सी उंगली थी उसमें मैंने एक अंगूठी डाल दी. अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर. पाठक मुझे अब जाने की आज्ञा दो. आई एम ऑलवेज हियर. मैं हमेशा यही हूँ. रेडी तैयार टू सर्व यू. तुम्हारी सहायता करने के लिए. ये बातें कौन बोल रहा है? यहाँ पे राइटर बोल रहा है, यानी कि स्टोरी पूरी हो गई है तब वो बोल रहा है. यू आर नॉट बोर्ड आई होप. मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उकताए नहीं होगी, यानी कि मैंने जो ये कहानी सुनाई है ये तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी होगी, ऐसी राइटर उम्मीद करता है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो.